तो आइए फ्रेंड्स, पार्ट टू राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्ट मैंने पहले दे चुका हूं, ये अगला पार्ट आप ही लोग के लिए फिर से की। अब जो अगला पार्ट है उसमें मैंने बोला था कि पहला वाला जो पार्ट है उसमें मैंने उत्तर भारत और मिड के और उत्तर पूर्वी भारत के जितने राज्य हमको कवर कर लिया था। अब दक्षिण भारत और एकमात्र हमारा जो यहां पर दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पोर्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैंने यहां पर आपको ऊपर पद्मजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क है ना, ये पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो वो थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से, तो गलती नहीं कहेंगे, एक भूल हो गई है, तो कृपया कर आप वो भूल को मैं सुधारना चाह रहा हूं, तो आप लोग भी सुधारें और मुझे माफ कर दें। ठीक है, एक्चुअली मैं वो जो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में आने का था, वो कॉपी में रॉन्ग होने के चलते वो रॉन्ग लिखा गया, वो पढ़ लिए हमने, तो थोड़ी सी गलती को बस सुधार लें। ठीक है, बाकी सब सही है, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाने के बाद पूरा देखता हूँ, उसके बाद ही अपलोड करता हूँ, तो मुझे ये गलती पकड़ाई ना है, तो कृपया कर इसको सुधार लें और आसपास आपके जो लोगों ने देखे हों उनको भी बता दें। ठीक, बाकी सब सही है, एकदम क्लियर है, पूरी चीज क्लियर है, बाकी मेंशन नोट रहे एकदम। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं यहां से। तो अब हम यहाँ पे राज्यवार पढ़ेंगे, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इतनी जगह के इतने ये लिखे हुए हैं, इनको हमको याद करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। तो राष्ट्रीय उद्यान पार्ट टू अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, पार्ट एक मैंने डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक इसकी, उसे भी देखे जरूर से जरूर जाके। ठीक, तो आपका पूरा की पूरा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटाना चाहूंगा, ये वाला पोर्शन भी वैसा चलेगा जैसा पहला वाला चला था। तो वो पोर्शन में क्या था, पहले हम राज्यवार नेशनल पार्क याद कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था उसकी कुछ डिटेल इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, तो इसमें अपन साथ में लेते हुए चलते हैं। ठीक, गुजरात, तो आइए गुजरात से स्टार्ट करते हैं। ये है गुजरात, गुजरात में मात्र दो लिखा हुआ मैंने, मेरिन नेशनल पार्क, इसी को कहते हैं घारा हड़ा नेशनल पार्क, मेरिन नेशनल पार्क या घारा हड़ा नेशनल पार्क। ये कहां पर स्थित है, ये कच्छ के रण में है, कहां पर स्थित है, कच्छ के रण में, और ये कच्छ का रण जो है, इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट क्या है यहां पर, ये जंगली गधों के लिए विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, जंगली गधों के लिए। तो ठीक, जंगली गधों के लिए कच्छ का रण मेरिन पक्का, और दूसरा क्या है, गिर अभ्यारण, गिर बन। ठीक, तो गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो लिखा हूं मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात में, और मेरिन कहां पर है। ठीक, तो गुजरात में आप एक कोड याद रखो, क्या मैगी, क्या कोड याद रखना है, मैगी, गुजरात में क्या खाना है हमको जाके, मैगी खाना है। ठीक, अब यहीं पर जो डाटा इंपॉर्टेंट है गिर अभ्यारण के लिए, ये काय के लिए फेमस है, एशियन लॉयन के लिए, एशियन लॉयन के लिए विख्यात है। ठीक, जैसे ये जंगली गधों के लिए विख्यात है, वैसे ये एशियन लॉयंस के लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ ये कंप्लीट है। तो गुजरात में क्या याद रखो, मैगी, मैसे, मेरिन, गीसे, गिरवन। ठीक, ओके, ये एशियन लॉयन के लिए और ये जंगली गधों के लिए, क्लियर है। हाँ, अब उसी के नीचे कौन सा आता है, हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखें यहां पर एक दो तीन चार पांच, महाराष्ट्र में कितने याद रखने, पांच, और गोवा में एकमात्र है, गोवा में ये एकमात्र है यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा वहीं पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने कहा बता दूं। ठीक, तो महाराष्ट्र के देखिए क्या लिखा है, तडोबा या तडोबा, तडोबा या तडोबा। ठीक, नेशनल पार्क, कूगामल नेशनल पार्क, कूगामल नेशनल पार्क, और एक चंदौली नेशनल पार्क। ठीक, पहले मैं नाम पढ़ रहा हूं, तडोबा, कूगामल, चंदौली, और अगला है बोरीवली नेशनल पार्क या संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क या संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक, ये फैक्ट बन के आ जाता है कई बार, इसीलिए जहां पे दो नाम है वहां पे मैं दो नाम भी बता रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक, और उसके बाद एक नवेगांव नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क नागपुर। ठीक, तो नवेगांव नेशनल पार्क, बोरीवली, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, गुग्गावल और तडोबा, पक्का इतने ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो है ये पांच। ठीक है, तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो गूंगा को बनाओ, गूंगा, गूंगा क्या बनाओ, गूंगा। ठीक, चंदौली को बनाओ चंदा, तो गूंगा को क्या मांगना है, चंदा। ठीक, गूंगा क्या मांगना है, चंदा। तडोबा क्या, डोबा, तडोबा,
डोबक करो डब्बा, डोबक क्या करो यहां पर डब्बा। अब गूंगा क्या करेगा, चंदा मांगने जा रहा है, ठीक ठीक। तो कोई व्यक्ति है, पर्सन ए, कोई पर्सन ए है, वो गूंगे को क्या बोल रहा है, चंदा मांग। क्या बोल रहा है, गूंगे को चंदा मांग, ठीक। तो बोरी बली का क्या ले लो, बोल, बोल। गांव में बोल शब्द के लिए बोलते बोरनरे, 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 हाँ बोल, बोलरे, बोरनरे, हाँ। ये नाबे, नाबे गांव का क्या ले लो, ना बे। ये बोलते हैं शॉर्टली, लैंग्वेज हमारे यूज करते हैं लोग नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में। तो ए का फ्रेंड कौन है, गूंगा, ठीक है। अब मैं किसी हंसी मजाक के तौर पर नहीं बता रहा हूं, नॉर्मली हमको याद रखना है। कहां का, महाराष्ट्र का, ठीक। तो महाराष्ट्र एरिया में कौन है, एक गूंगा है और उसका दोस्त है एक ए, ठीक है। तो ए अपने गूंगे दोस्त को क्या बोल रहा है, चंदा मांग के डब्बे में लेके आना, चंदा मांग के डब्बे में लेके आना, ठीक। तो देखो, चंदा मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहा है, बोलना बे, क्या बोल रहा है, बोलना बे, ठीक। हाँ, तो उसको हमने पूरी कहानी बताया, मैंने भी आपको कहानी बता दिया। ए है, उसका एक दोस्त है गूंगा, ठीक। गूंगा को क्या बोल रहा है, वो चंदा मांगना डब्बे में, ठीक है। ऐसा देखो क्या करना है, बोलना बे, ऐसा देखो क्या है, बोलना है बे, ठीक। क्लियर है क्या, एक बार इसको रिपीट मारो, एक बार इसको रिपीट मारो, फिक्स हो जाएगी कहानी। या किसी दूसरी पार्टी को आप ऐसे ही बता दो, अपने साथ वाले को, तो फिक्स हो जाएगी। और याद करने कोई तरीके हैं नहीं, किन किन तरीकों से याद कर सकते हैं, कोड बना के, फैक्चुअल, फैक्चुअल भी मैं बता रहा हूँ जहां पे जो फैक्ट काम के हैं। कोडिंग में एक कहानी माध्यम होता है, तो जो कहानी माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं सॉन्ग के माध्यम से, मैंने पिछले वीडियो में 3-4 जगह गाने गाया, उनको गाने से अटैच कर दिया। तो जितना हो सके हम हमारे आसपास की चीजों से चीजों को कनेक्ट कर दें, और जैसे ही हमने कनेक्ट करे तो वो फीड हो जाती है माइंड में। ओके, फीड हो गई होगी, एक राउंड बोलेंगे आप, फीड हो जाएगी। अब आइए भाई, महावीर या मौलम, ये जो गोवा वाला है इसका नाम क्या है, महावीर है या मौलम है, महावीर या मौलम, महावीर भी है या तो मौलम भी है। कहां पर है, गोवा, कहां पर, गोवा। अब गोवा में वेस्टर्न कल्चर है, गोवा में कैसा कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। तो एक प्रकार से यहाँ पे गोवा के लिए भी कहानी याद रखो। तो गोवा में क्या चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर, वहां पे बहुत एंजॉय, मस्ती, तो लोग बहुत पश्चिमी चीजों से बहुत जुड़ाव है। तो वहां पर क्या कहा जा रहा है, महावीर स्वामी की जो महावीर स्वामी ने जो देखे गए हैं अच्छी अच्छी बातें, तो उन्हीं का प्रसार करवाना है कहां पर, गोवा में। ऐसा करके याद रख सकते हैं कि गोवा एक अपोजिट चीज और वहां पर महावीर स्वामी अपोजिट चीज हो जाएगी, तो दोनों अपोजिट वैल्यू। तो अपोजिट को क्या कर रहे हैं, हम एक साथ देख ले रहे हैं। तो गोवा में क्या करवाओ आप, महावीर स्वामी के प्रवचन दिलवाओ, ठीक है, क्लियर है। यहां तक की हमारी ये कहानी होगी। अब देखिए, हमने पढ़ ली गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अब आते हैं हम कहां पर, अपने कर्नाटक, कर्नाटक वाले, ये लिखा हूं मैंने, कर्नाटक वाले कहां लिखे, ये लिखे। तो कर्नाटक में देखना क्या लिखा है, आंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, वेणुगोपाल नेशनल पार्क और सरस्वती नेशनल पार्क, 6 लिखे, ठीक। एक दो बार आप भी इसी को क्या करें, उसी वैसे ही रिपीट करें, थोड़ा हैवी वे में बोले जा रहा उसको। तो क्या होती है चीजें, जैसे हम पहले फ्रेंडली हो जाएं उन शब्दों से जो हमने आज तक नहीं देखे हैं, तो वो अच्छी क्लियरिटी ला देते हैं। तो आंसी, नागरहोल, बानरघट्टा, बांदीपुर, वेणुगोपाल और सरस्वती, पक्का। अब फिर मैं गाने के माध्यम से याद कराता हूं, ठीक है। एक गाना आया था बहुत समय पहले, हाँ, बेबी को बेस पसंद है ना, तो बेबी को जो बेस पसंद है ना, उसी गाने को थोड़ा अपन मॉडिफाई करते हैं अपने नेशनल पार्क्स के लिए, ठीक। तो यहां पर जो अपना कोड है, किससे रिलेटेड है, कर्नाटक से, किससे रिलेटेड है, कर्नाटक। तो मैं कोड की यहां डिजाइन करता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, कर्नाटक आना, बाबा को बेस पसंद है, बाबा को क्या पसंद है, बेस। तो कर्नाटक आना, बाबा को बेस पसंद है, ये लाइन को थोड़ा उस लाइन से ऐसा करके मॉडिफाई कर लो आज के समय में हमारे एमपीस के लिए, नेशनल पार्क के लिए। तो कर्नाटक आना, कहां आना, कर्नाटक आना, बाबा को बेस पसंद है ना। बाकी जगह बॉलीवुड वालों को तो, बॉलीवुड में तो बेबी को पसंद है, यहां पर अपने बाबा को पसंद है, हाँ, बाबा, संजू बाबा, ठीक। तो बाबा को क्या पसंद है, बेस। बाबा कहां के, कर्नाटक के बाबा। तो कर्नाटक आना, बाबा को बेस पसंद है, फिक्स करो लाइन को। जैसे ही लाइन फिक्स होती है, उसके बाद क्या करो, आना, आ से आंसी, ना से नागरहोल, आ से आंसी, ना से नागरहोल, बाबा, बाबा, तो बा से बानरघट्टा, बा से बांदीपुर, बाबा, बानरघट्टा और बांदीपुर, बेस, बे से वेणुगोपाल, सा से सरस्वती। तो कर्नाटक आना, बाबा को बेस पसंद है, क्या पसंद है, बेस, फिक्स हो जाएगा। रोको, रिपीट मारो, लिखो, रोको, रिपीट मारो, लिखो, पूर्वक साथ यही काम करो, फिर रोको, फिर पढ़ो, कॉपी पेन लेके बैठिए और ऐसा काम कीजिए, फिक्स हो जाएगा भाई। आगे बढ़े,
अब देखेंगे सरकार आगे हम केरल, कर्नाटक के बाद क्या आ रहा है हमारे पट्टे में आगे केरल, तो अब केरल के मैंने ये लिख के रखे हैं, इराविकुलम, शांत घाटी या साइलेंट वैली, पेरियार, और देखना यहां पर इन नामों के आगे 16 शब्द है, क्या शब्द है, 16 शब्द लिखा है, तो 16 वाले जितने भी आएंगे, 16 वाले कहां पे आएंगे, केरल में, कहां पे आएंगे, केरल में, केरल लिखू मैं, केरल लिखा, केरल, थोड़ा केरल को क्या बना के रख दो यहां पे, केला, केरल को क्या बना के रख दो अभी, केला, ये मैंने नाम पढ़ा, आप भी पढ़ो, इराविकुलम, शांत घाटी, पेरियार, 16 वाले ये पूरे, तो 16 वालों का फिर एक बार नाम पढ़ देता हूं, अराईमुडी 16, मत्थिकेट्टन 16 और पंबाडुंग 16, ठीक, इतने नाम है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है हमको, कुछ भी नहीं करना है, तो ये केला लो सबसे पहले, कर्नाटक को, केरल को क्या बना दो, केला, बन गया केला, फिर क्या है, पेसाई, पेसाई, इसको क्या करो, पेसाई, पेसाई, ठीक, ये 16, तो 16 केलो की क्या कर दो आप, 16 केलो की पिसाई कर दो, 16 केलो की क्या कर दो, पिसाई, पिसते ना, पिसाई, पिसाई, वही पिसाई, तो 16 केलो की क्या होगी, पिसाई, केलो से क्या हो गया हमारा, केला, केला से केरल, है ना, 16 से 16 वाले आए, आंख मूंद के केरल लगा देना, और कहीं नहीं है, यहीं पे बस है, इसलिए बोल रहा हूं, तो उसको याद रखने की कोई ऐसी अलग से झंझट नहीं है हमारे पास। अब पे से पेरियार, स से शांत घाटी, शांत घाटी मतलब ये क्या, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, और ई से इराविकुलम, ई से क्या है, इराविकुलम, दो चार बार पढ़ेंगे फिक्स हो जाएगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा डेटा के साथ, नामों के साथ, शब्दों के साथ, और एक बार हो गए तो कोई नहीं भुला सकता, ठीक। तो ये हो गया हमारा केरल का, फिक्स है, एकदम फिक्स है, थोड़ी सी कहानी, थोड़े से गाने और पूरा की पूरा आइटम सेट, ठीक। तो कैसे होता है, ऐसे होता है। अब यहीं पे और आगे देखते हैं कुछ काम की चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाटा है, जो कि पेरियार, ये पेरियार जो है भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का कैसा है, सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क कौन सा हो गया, पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क क्या हो गया, भारत का सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क, ओके। और एक पॉइंट और याद रखना है इसी पेरियार में, क्या याद रखना है कि जो हमारा वन संपदा, वन में जितनी भी प्रकार की संपदाएं उगती है, उन संपदाओं की दृष्टि से पूरे की पूरा सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा अमीर, तो वन संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक अमीर नेशनल पार्क कौन सा है, तो पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार इंपॉर्टेंटली है, ठीक है। पेरियार जैसे भी आए तो आपको तो केरल आग मूंद के लगाना है, ठीक है। जब पेरियार बांध हो, मुल्ला पेरियार बांध भी केरल में है, अभी बांध नदी पड़ेंगे हम तब भी वो आएगा, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, पेरियार आया तो आंख मूंद के केरल लगाने लगाना है हमको, उसमें करना क्या है साथ में ये याद रखना है, सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का पेरियार नेशनल पार्क, और वन संपदा की दृष्टि से सबसे महंगा नेशनल पार्क तो पेरियार नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्लियर है। साइलेंट वैली भी बार बार पूछता, शांत घाटी कहां स्थित है, केरल में, तो शांत घाटी आंख मूंद के लगाओ आप भी, क्लियर है। तो शांत घाटी नेशनल पार्क क्या हो गया, केरल, और इराविकुलम और बाकी 16 वाले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं पूरी की पूरी क्लियर फिक्स करके बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से हम, तमिलनाडु, नीचे से ऊपर चलते हैं, क्या लिखा है, तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के नेशनल पार्क पढ़ेंगे भाई, गिंडी, अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्थी और 5 मन्नार मैरिन, मन्नार खाड़ी, ठीक। तो ये 5 यहां पर है, गिंडी, अब राज्यवार देखोगे तो 2.83 किलोमीटर का है ये राज्य, सुनना पूरी ध्यान, मैं फिर से बताऊंगा, यदि राज्यवार यदि क्वेश्चन पूछता है वो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है या किस राज्य में है, ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारा, गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है, राज्यवार, कौन सा बार, राज्यवार, ठीक। ओवरऑल सबसे छोटा अभी आएगा अंडमान निकोबार में, फिर बताऊंगा मैं, तब फिर को रिलेट करूंगा चीजों को, ठीक, अभी ध्यानपूर्वक इतनी बातें सुने। फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, क्लियर है यहां पर। तो अब देखना, अब क्या है, अन्ना लोग, अन्ना लोग कहां पर रहते हैं, तमिलनाडु में, अन्ना लोग कहां पर रहते हैं, तमिलनाडु में। अब यही अन्ना जो है इसकी वाइफ है, अन्ना जो है इसकी वाइफ का नाम क्या है, मधु, अन्ना उसकी वाइफ का नाम क्या है, मधु, ठीक। तो अन्ना कहां पे रहते हैं, तमिलनाडु में, कहानी बता रहा हूं, अन्ना कहां के, तमिलनाडु के, पक्का, उनकी वाइफ का नाम क्या है, मधु, ठीक। अब क्या हो रहा है, इन दोनों का झगड़ा हो गया, इन दोनों का क्या करवा दे रहे हैं हम, झगड़ा, इन दोनों का क्या हो गया, झगड़ा, तो इन दोनों का झगड़ा हुआ तो इनको क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, मना रहे हैं,
कौन मना रहे हैं? अन्ना जी मधु जी को मना रहे हैं। अब अन्ना जी मधु जी को मना रहे हैं तो मधु जी बार बार क्या मुकुर थी, बार बार मुकर रही, बार बार मुकर रही। अब है ना, बार बार मुकर रही, तो बार बार मुकर रही मुकर रही। अरे कितने बार मनाएगा कोई, कितने बार? तो अन्ना का दिमाग शॉर्ट हुआ, खराब हुआ मतलब। और उनने क्या बोल दिए मधु को, हट गंदी। क्या बोल दिए? गंदी। तो गंदी से क्या कर दो, गिंडी। ठीक, तो अन्ना आगे तमिलनाडु की, तो अन्ना मलाई, मधु उनकी वाइफ वो भी मधु मलाई, ऐड करते जाओ, है ना। अब इन दोनों का झगड़ा हुआ, झगड़ा हमने एक्स्ट्रा लिए हैं बस। ठीक, तो अब झगड़ा होगा तो क्या कर रहा हूं, स्वाभाविक सी बात है हस्बैंड वाइफ को क्या करेगा, मनाएगा, ये मनाए। ठीक, लेकिन वाइफ का काम क्या है, बार बार मुकर जाने का, मुकर जाने का, नहीं मार रही, नहीं मार रही, नहीं मार रही बोल। तो वो क्या हो रही, बार बार मुकर जा रही, मुकर जा रही। इस पे गुस्सा तो आएगा अन्ना को, तो अन्ना क्या बोल देंगे, हट गंदी। क्लियर है क्या, कहानी सेट हो गई होगी माइंड में, ही याद हो गया आपको, रोको सेट करो अलग करो। ठीक, फिक्स, कोई तीसरी चीज नहीं, फिक्स। ओके, आगे बढ़ो। तो यहां पे जितने फैक्ट कॉलम बताया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट पूरे की पूरी नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ता हूं। अब आइए भाई साहब, आंध्र प्रदेश कहां पर आते हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देख रहे हो वेंकटेश्वर, रामेश्वरम और पापीकोंडा, पापीकोंडा। ठीक, तो पापीकोंडा, रामेश्वरम और वेंकटेश्वर पक्का। यदि आप करोगे पाप, ये एपी, ये क्या लिखा है मैंने, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश शॉर्ट फॉर्म के लिए एपी, एपी कर दो आप, एपी कर दो आप। आप यदि करते हो क्या पाप, पापीकोंडा, तो पापीकोंडा को ले लो पाप। यदि आप करते हो पाप, तो आपको पाप को धोने के लिए कहां जाना है, यहां पर, यहां पर याद रखना, वेंकटेश्वर के पास और रामेश्वर जी के पास। तो वेंकटेश भगवान के पास जाओगे और राम जी के पास जाओगे, वेंकटेश जी के पास जाओगे और राम जी के पास जाओगे। तो मान लो आपने कर दिए पाप और अब आप धोने जा रहे हो अपने पाप, कहां पे, रामेश्वरम और वेंकटेश्वर, पक्का। सिंपल है एकदम, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, इतनी मैं कर रहा हूं तो उतनी आप कर लो, फिक्स है ना भाई। ठीक, ओके। अब आइए देखिए ऊपर ओडिशा, क्या दिख रहा है ऊपर, ओडिशा, ओडिशा, ये ओडिशा, ओडिशा क्या है, ओडिशा, ओडिशा में दो, एक लिखा है सिमलीपाल और दूसरा लिखा है भितरकनिका, एक लिखा है सिमलीपाल और दूसरा क्या लिखा है भितरकनिका। तो ये भितरकनिका और एक क्या लिखा है सिमलीपाल, तो भितरकनिका और सिमलीपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सिमलीपाल यहां पर क्या है, उड़न गिलहरी के लिए विख्यात है, काहे के लिए विख्यात है, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए क्या विख्यात है, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल काहे के लिए विख्यात है, उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी के लिए जो फेमस है वो कौन सा एरिया, ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है, ओडिशा, पक्का। और एक और क्या है वहां पर, भितरकनिका, भितरकनिका पक्का। तो अब सिमलीपाल पक्का, सिमलीपाल को बनाओ क्या, शिमला, शिमला मिर्ची आती है जो शिमला, हाँ। भितरकनिका से क्या कर दो उसको, भीतर, भीतर शब्द को क्या, भीतर मतलब होता है अंदर, गांव की भाषा में भीतर मतलब अंदर। तो शिमला भीतर उड़ा, उड़ीसा करो उड़ा, मतलब कि कोई ने शिमला को काटा होगा तो फेंक रहा होगा बाहर तरफ में, तो बात चल रही है उनके बीच में। हमको बोर्ड क्या स्टार्ट में याद रखना है कि शिमला भीतर उड़ा मतलब शिमला अंदर की तरफ उड़ा, बाहर मत फेंक, अंदर की तरफ फेंक। तो वही, तो कोड क्या याद रखो यहां पे, शिमला भीतर उड़ा, शिमला भीतर उड़ा, शिमला भीतर उड़ा, दो चार बार फीड जाएगा माइंड में, फेक फेक फिक्स। ठीक, तो शिमला भीतर उड़ा, शिमला भीतर उड़ा, शिमला भीतर उड़ा, ओके। तो सिमलीपाल और भितरकनिका, सिमलीपाल गाय के लिए, उड़न गिलहरी के लिए विख्यात, क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई ऊपर वेस्ट बंगाल, क्या लिखा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखना एक सुंदरबन है, जलदा पारा या जलद पारा, ठीक। तीसरा है गोरुमारा, चौथा है बुक्सा, पांचवा है सिंगालीला और छठवा है नियोरा, छठवा है नियोरा पक्का। अब देखो गोरु नाम का एक लड़का ले लो, गोरु नाम का क्या है, एक लड़का है, तो गोरु नाम का एक बॉय हो गया, ठीक। वो कैसा है, ब्रंद सुंदर नहीं है, तो गोरु नाम का क्या हो गया, एक लड़का है, ठीक ठीक है। अब एक जन शब्द ले लो यहां से, एक सिंगा से सिंह शब्द ले लो, ठीक है। बुक्सा का लग, बुक कर लो, बुक, बुक्सा के लिए क्या कर लो, बुक, बुकिंग करने वाला बुक, ठीक है। नहीं हो रहा को क्या कर लो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हम बोलते हैं ना हमसे ये नहीं हो रहा, वही वाला उसको बोला नहीं हो रहा, क्या बोला नहीं हो रहा, हाँ। तो वही, तो यहां पर देखना क्या हुआ, गोरु जो है
जल में, गोरु कहां पर, कहानी सुनो बहुत प्यारी, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की कहानी, पश्चिम बंगाल का गोरु, पश्चिम बंगाल का गोरु, तो पश्चिम बंगाल का गोरु ठीक जल में, पश्चिम बंगाल का गोरु जल में सुंदर सींग ढूंढने गया। कौन सी सींग ढूंढने गया? सिंगर सुंदर सींग। ठीक, तो यहां पर मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो, गोरु जल के अंदर सुंदर सींग, अरे कोई सी सींग ढूंढने क्यों जाएगा, कोई सुंदर सींग थी ढूंढने इसलिए जा रहा था। सुन, सींग कैसी थी? सुंदर थी। ठीक, तो उसको किसी ने बोला था कि जल में बेटा सुंदर सींग है, सुंदर सुंदर सींग है, सींग हाँ, तो वो इसलिए जा रहा था। तो ऐसा बिकरा इकरा होगा, तो वही, तो वो बुक करने जा रहा था। ठीक, क्या करने जा रहा था? बुकिंग करने जा रहा था। ठीक, लेकिन वो करने गया, लेकिन वो हुई ची नहीं बुक, वो बुक ही नहीं हुई। ठीक, खुद कुछ माया वाया होगी भाई जल के अंदर। ठीक, अब कहानी किस्सा बनाना, कोई भी बना सकते अपन, अपने को तो याद करने से मतलब है, बिल्कुल होगा याद। तो गोरु नाम का लड़का जल के अंदर एक सुंदर सिंह बुक करने गया, सुंदर सिंह बुक करने गया, लेकिन थक गया और बाहर निकल के क्या बोलता है जल के, भाई नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? ये वाली कहानी भी सेट है माइंड में, एक बार करके देखें आप, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये यहां तक के हो गए हमारे पूरे के पूरे, क्लियर? ओके, यहां से गुजरात से लेके ये यहां तक के। ठीक, अब देखो तेलंगाना, यहां पे तेलंगाना छोड़ा मैंने, ये तेलंगाना, तेलंगाना में लिखा है मुंगावनी। कौन सी? मुंगावनी नेशनल पार्क, ठीक, हरीना नेशनल पार्क और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये अभी कुछ पे पूछा था, इंपॉर्टेंट है, कोई पेपर में जरूर पूछा था। और नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ठीक, तो ये जो है पहले आते कहां थे? आंध्र प्रदेश में। जैसे हरीना नेशनल पार्क और नागार्जुन श्री सैलम, ये आंध्र प्रदेश में आते थे 2014 तक के, उसके बाद अब कहां गिनने लगे हैं? तेलंगाना में। तो मुंगावानी, हरीना और कासू ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, तो देखना यहां पर लोग कासू ब्रह्मानंद रेड्डी को, किसको लोग? ब्रह्मानंद हरि, विष्णु जी का नाम हरि भी होता है, और एक मुंगावली। ठीक है, तो ब्रह्मा ने हरि से कुछ मांगा, तेल मांगा, तेल क्या मांगा? तेल, तेलंगाना का हो गया तेल, तेलंगाना से कर लो तेल, मैंने क्या शब्द बोला वो सुनो ध्यान से। ठीक, तो ब्रह्मा ने हरि से तेल मांगा, ब्रह्मा ने हरि से तेल मांगा, तो ब्रह्मा ने हरि से तेल मांगा पक्का, तो ब्रह्मा से क्या? ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये ऐसा नाम को तो एक ही नेशनल पार्क है। हरि हरिना मांगा, मांगा मुंगावली, मांगा मुंगावली, मांगा मुंगावली। ठीक है, और तेल, क्लियर? ये तो टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व में पढ़ेंगे इसको एक बार और। ठीक, तो जब देखेंगे, अब आइए लास्ट जो बच रहा हमारा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इंपॉर्टेंट डाटा पूरा की पूरा। ठीक है, 9 से 10 नेशनल पार्क है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले वहां जो लिखे हैं पहले उनको रीड कर लें। एक लिखा उत्तरी बटन, एक लिखा मध्य बटन, एक लिखा दक्षिण बटन। बटन वाले 3 हो गए हमारे, ये बटन वाले कितने हो गए? 3। बटन कहां आ रही है हमारी? अंडमान एंड निकोबार में, पक्का बिल्कुल। फिर देखना कैंपवेल की खाड़ी, माउंट हैरियट, ज्वालामुखी भी है वहां पर, उसका भी नाम है माउंट हैरियट, सैडल पीक वहां की छोटी अंडमान निकोबार की, उसी के नाम पर है। अब देखना यहां पे कुछ नामों पे, रानी झांसी मैरिन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क और गलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत आराम से एक बार और रीड मारे। ठीक, तो 3 बटन हो गई, उत्तरी बटन, मध्य बटन और दक्षिण बटन। ठीक है, फिर क्या हो गया? कैंपबेल, कैंपबेल, माउंट हैरियट, सैडल पीक चोटी बताया मैंने, ये ज्वालामुखी पक्का, फिर रानी झांसी, फिर महात्मा गांधी, फिर गलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क, पक्का। इसकी भी एक कहानी डेवलप कर देता हूं मैं, पक्का। तो अंडमान निकोबार में कौन रह रही? झांसी की रानी। कौन रह रही? झांसी की रानी। तो रानी झांसी, झांसी की रानी पक्का रह रही। ठीक, अब अंडमान निकोबार में ये कहां पर रह रही थी भाई? अंडमान निकोबार में सैडल पीक, जो ऊंची चोटी है वहां पर। तो रानी झांसी कहां रह रही है? सैडल पीक में। रानी झांसी कहां रह रही? सैडल पीक में। सैडल पीक क्या है? माउंट अभी बताया मैंने, पर्वत, उसकी चोटी होगी कोई ना कोई। तो एक क्या हो गया? सैडल पीक माउंट, सीधा सीधा ऐसा ऐड करो तो सैडल पीक किसी ना किसी माउंट की चोटी होगी भाई, तो सैडल पीक और माउंट। ठीक, तो रानी कहां रह रही है? सैडल पीक में, सैडल पीक माउंट पे, सैडल पीक माउंट पे। तो दो को इकट्ठा कर लो,
कैसे रह रही है, कैप लगा के कैसे रह रही है, कैप लगा के कैसे रह रही है, कैप लगा के पक्का। लेकिन क्या हुआ, ये महात्मा गांधी, तो गांधी जी को पता लगा तो उनने क्या करे, वहां जाके बटन दबा दिए। क्या दबा दिए, बटन दबा दिए, तो वो पूरा की पूरा एरिया क्या हुआ, गाला से कर दो गल गया। क्या कर, क्या हो गया, गल गया, क्या हो गया, गल गया। मान के चलो बर्फीला रहा होगा, कोई बटन ऐसी होगी जिससे गर्माहट होती होगी, तो बटन दबा दिए, तो उससे क्या हो गया, पूरा की पूरा वो सब गल गया। ठीक, तो एक छोटी सी कहानी इसके लिए भी ऐड कर दिया था मैंने, अब शायद हो गई होगी आप लोगों को याद। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंटली है, ये यहाँ पे सैडल पीक हो गया, माउंट हैरियट हो गया, ठीक, ये बटन वाले हो गए, और कैंपबेल की कहा फट खड़ी, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक के ये मेरा वीडियो जो था, यहां तक के नेशनल पार्क्स कंप्लीट हो गए। अब हम जो आगे के वीडियो है उसमें संरक्षित जैव मंडलों पे बात करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। तो मेरा अगला जो वीडियो रहेगा इससे के बाद, नेशनल पार्क के बाद वाला जो रहना चाहिए, वो रहेगा संरक्षित जैव मंडल और टाइगर्स के डाटा रहेंगे उसमें, न्यूएस्ट वाले। ठीक है, तो अभी तक की कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आप लोग क्या चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।